बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आज़ादी और 14 अगस्त के इस मौके पर इंतजामिया की सुपरविजन में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर जनाब मलिक फारूक साहब और एसपी साहब, इस वक्त परवेज अंदानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है ग्रीन पाकिस्तान के लिए, तो मैं जानना चाहूँगा असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर जनाब मलिक फारूक अहमद साहब से कि आप इस कैंपेन को किस निगाह से देखते हैं, क्योंकि आज हर एक मोड़ पे, हर एक चौक पे जामपुर के ट्री प्लांटेशन हो रही है और उसको आप सुपरविजन करेंगे। प्लांट्स की साइट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और आज मैंने भी मैक्सिमम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के बाकी लोग, यहाँ का मीडिया बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज के दिन हमने ये ऐड करना है कि हम सब ने दो पौधे एटलीस्ट ज़रूर लगाने हैं। दो पौधे अगर एक पाकिस्तानी लगा दे तो हमारा ये पाकिस्तान सर सर पाकिस्तान बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह जी, डीएसपी परवेज साहब मौजूद हैं, इन्होंने हमेशा नौजवानों की सरपरस्ती की, तो मैं जानना चाहूँगा सर आप इस कैंपेन को किस निगाह से देखते हैं। रहमानरहीम, अलहमदिल्ला जी, हर जगह पौधे पौधे हैं, अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह हम मजीद सारे नौजवान से खड़े हैं, सब में जज्बा भी है, हर सब पौधे लगा रहे हैं, हर स्कूल, हर इदारा, हर जितने सरकारी इदारे हैं चाहे प्राइवेट इदारे हैं, हर जगह पे जी बिल्कुल 11 बजे कैंपेन दोबारा वहाँ पर होगी। डॉक्टर गुलाम नबी काफी, हुसैन फरीदी साहब, आफ्ताब मस्तूरी साहब और सीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबकी इंशाल्लाह कोऑपरेशन के साथ जामपुर हरा भरा होगा और सुपरविजन करेंगे हमारे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक साहब। तो एक नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद।